अब यहाँ पे अगर मान ले, हाँ पूरा थर्ड मेथड अप्लाई करते हैं। इसको अप्लाई करने के बाद हमें यहाँ पे इसके बाद ये ध्यान रखना होता है कि डिनोमिनेटर में आपका आई नहीं होना चाहिए। अगर कहीं आई है, जैसे इस न्यूमेरिकल में तो इलिमिनेट हो गया था, कहीं कहीं न्यूमेरिकल में नहीं इलिमिनेट होगा तो हम आई स्क्वायर से -1 की मदद लेंगे, यानी आई के प्लेस पे 1/i के प्लेस पे लिख सकते हैं -i। ठीक है, इस तरीके से इलिमिनेट हो जाएगा। अब इलिमिनेट होने के बाद हम e^ix को ओपन कर देंगे। क्या ओपन करेंगे, यानी इसको cos(ix) +i sin(ix) में लिख लेंगे और सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इमेजिनरी पार्ट है, यानी जिस टर्म में आई है वो पार्ट सिर्फ लिख लेंगे, बस वही आपका PI हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे रियल लेके हुए चलते हैं, अगर cos(x) होता तो उसके बाद हम लास्ट में जो रियल पार्ट है, यानी जिस टर्म में आई नहीं मल्टीप्लाई है, वो पार्ट लिख लेते। तो उसके लिए हमने एक न्यूमेरिकल कराया है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx² -2dy/dx +y=x sin x। तो इस तरीके से हमने ये किया है। अब ये तो आप जानते हैं, बहुत बार कर चुके हैं। अब PI देखिए, PI में क्या है, ये x sin x है, तो sin x को लिख दिया इमेजिनरी पार्ट ऑफ e^ix, क्योंकि आपका e^ix क्या होता है, अगर हम देखें तो e^ix होता है cos x +i sin x। तो sin x क्या है, रियल पार्ट है, तो वही लिखा है कि रियल पार्ट ऑफ e^ix, फिर इमेजिनरी पार्ट ऑफ e^ix, फिर एक्सपोनेंशियल इंटू एल्जेब्रिक हो गया, एक्सपोनेंशियल को बाहर कर दिया है, जहां जहां डी है वहां वहां d+i कर दिया है, इसको सिंप्लीफाई किया है, एल्जेब्रिक मेथड अप्लाई किया है। इसके लिए कांस्टेंट टर्म के आगे -साइन है, वो कॉमन लिया, इस तरीके से आया, इसको पूरा ऊपर ले लिया है, एक्स की जितनी पावर उतने टर्म तक एक्सपेंड किया है, फिर यहाँ पे एक्स को लिया अंदर इसमें, तो ये तो एक्स हो गया, ये d2x, d2x को एक्स डिफरेंशिएट करेंगे 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे dx है, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे 1 हो जाएगा, फिर ये 0 हो गया, 2 2 हो गया कैंसिल, इसका एलसीएम लिया है तो ix +i -1 cos i। अब इसके बाद ने यहाँ पे i कॉमन ले लिया है, अब यहाँ पे -2i और ये i है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 2i² i -2i² i² -1 होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सिर्फ 2 बचेगा यहाँ पे, तो 2 कांस्टेंट है, ये हमने बाहर ले लिया है। अब इसके बाद इमेजिनरी पार्ट ऑफ e^ix है, इसमें देखिए इसको ओपन कर दिया है, ओपन करने और सिंपली मल्टीप्लाई किया है। अब इमेजिनरी पार्ट हटा देना है, कैसे हटाएंगे, कि जिस टर्म में आई है वो पार्ट लिख लेंगे, आई को नहीं लिखेंगे, उसके पार्ट को लिखेंगे, तो वही हमने लिख दिया, यही PI हो गया। ये समझ में आया? सर, जो बीच में सर -1 हो गया था वहां पर, यहाँ पे उल्टा किया, नीचे ऊपर कर दिया, -1 ये -1 पावर है, यहाँ ये आ कहाँ गया, गई, कहाँ पे जो इसी लाइन के ऊपर, ये सर पावर है, ये यहाँ सर पे, यही यहाँ यही पे, जहाँ नहीं उंगली रखे हैं आप वहाँ पे, यस सर ये जो -1 पावर सर, लगी हुई है इस पे, इन्वर्स ये 1 है, इन्वर्स सर पूछ रहे हैं, नहीं सर इसके नीचे इन्वर्स पूछ रहे हैं, ये यस सर इस पे पावर जो लगी हुई है वो कहाँ गई, पावर क्या है, ये पूरा इनवर्स, ये पूरा टर्म जो है ये ऊपर चला गया है, ये 1/ में है, तो ये पूरा इनवर्स हो गया है। वो तो समझ गए, लेकिन आप इसके जानते हो आगे मैं फिर ये पावर लिखा है गई वन कहाँ अपॉन पे, एक्स, तो इसको लिख सकते हैं एक्स इनवर्स। यस सर वो तो ठीक है, इसकी पावर अगले स्टेप में नहीं है ना, आगे अगले अगले स्टेप पूछ पे रहे कहाँ हैं, चले गए, अगले स्टेप में जो पावर हम ये दिए, यस यस सर सर, अब इस स्टेप में नहीं है सर, अब इनवर्स वाली पावर नहीं है इसमें, इसमें यस सर इसमें, यस 1 सर, इसमें क्या, इसको -x एक्सपेंड की किया है, एक्स की जितनी पावर पावर उतने टर्म तक एक्सपेंड करेंगे, तो अगर देखेंगे तो 1 - x का होल इनवर्स के फॉर्म में है, तो उसका एक्सपेंशन क्या होता है, 1 + x + x² +x³ + x^4 + up to so on infinity। तो चूंकि एक्स की पावर 1 है तो 1 + x तक ही वो होगा आपका, इसलिए 1 + d² + 2i - 1 d / 2i यही तक एक्सपेंड होगा।
प्लस सही है सही है यस सर। और किसी को कोई प्रॉब्लम है पूछिए बेटा। तो यहाँ पे जो इसके जो फिफ्थ मेथड के न्यूमेरिकल हैं वो कभी पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है। ज्यादातर न्यूमेरिकल जो होते हैं फर्स्ट से लेके फोर्थ मेथड तक ही आते हैं, फिफ्थ और सिक्स के न्यूमेरिकल आते नहीं है, लेकिन बताना जरूरी था। तो इसको देख लीजिएगा और इस पे न्यूमेरिकल आपको अभी हम सेंड कर देंगे, आप इस टाइप के न्यूमेरिकल लगाइएगा एक दो और ताकि प्रैक्टिस में आ जाए, ठीक है। यस सर। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही है। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।